एक इंसान जब शऊर की आंख खोलता है, जब वो इंटेलेक्चुअली मैच्योर हो जाता है, जहनी तौर पर बालिग हो जाता है, तो कुछ सवालात हैं कि जिन पर उसे गौर करना चाहिए। ये दूसरी बात है कि अक्सर लोग गौर नहीं करते। उसकी वजह क्या है कि अक्सर लोग तकलीदी जहन के होते हैं, जो माशरे के अंदर बातें मानी जा रही हैं वो भी मान लेते हैं, जो वालिदैन मानते हैं वो मान लेते हैं, जो उनके बड़े उन्हें तलकीन करते हैं तस्लीम कर लेते हैं, क्वेश्चन नहीं करते, स्क्रूटनाइज नहीं करते, तनकीद नहीं करते, लिहाजा वो सोचते ही नहीं। मुसलमान के घर में पैदा हो गया, मुसलमान है, अल्लाह को मानेगा, रसूल को मानेगा, कुरान को मानेगा, आखरत को मानेगा, वही को, जिब्राइल को मान लेगा। हिंदू के घर में पैदा हो गया, राम को मानेगा, कृष्ण को मानेगा, वेदों को मानेगा, अल्लाह ना खैर सल्ला। अगर कोई ईसाई के घर में पैदा हो गया वो हजरत मसीह को मानेगा, खुदा का बेटा मानेगा, कफारे का अकीदा मानेगा और अपनी जिंदगी जो है शुरू कर देगा। अक्सरियत इंसानों की जो है वो तकलीदी जहन की। लेकिन ये बात जान लीजिए, हर माशरे में, हर दौर में ऐसे लोग मौजूद रहे हैं, खा वो अकलियत में हो, बड़ी माइक्रोस्कोपिक एक अकलियत, लेकिन हमेशा रहे हैं जिन्होंने खुद सोचना चाहा, जिन्होंने उन मसाइल को खुद अपने गौर व फिक्र का मौजू बनाया। वो मसाइल क्या है, ये कायनात क्या है, इसकी हकीकत क्या है, ये हमेशा से है और हमेशा रहेगी, या किसी खास वक्त में वजूद में आई है और किसी खास वक्त में खत्म हो जाएगी। अगर किसी खास वक्त में वजूद में आई है तो आया आज खुद वजूद में आई है या किसी ने पैदा किया है, आया खुद ब खुद चल रही है या कोई उसका हाकिम है। पहला सवाल तो ये है, सबसे अहम। दूसरा सवाल ये कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, ये तो हमें मालूम है, हर शख्स जानता है फला तारीख को इस दुनिया में आया, उसमें 9 महीने का और इजाफा कर ले, फला तारीख से अपनी वालिदा के पेट में उसका आगाज हुआ, बस इससे पहले भी को मैं था कि नहीं, कोई मेरी हस्ती उससे कबल भी थी या नहीं, थी तो क्या थी। और यह भी हमें मालूम है कि हर शख्स के लिए मौत है, सामने खड़ी है, या कब्र है, या हिंदू को जलाया जाना है, हर एक को मालूम है। लेकिन आया दैट डेथ इज दी एंड, वो खात्मा है मेरे सफर हयात का, या ये कि मेरा वजूद उसके बाद भी रहेगा। अगर बाद भी मेरे वजूद का कोई तसलसल है तो उसकी कैफियत क्या होगी, ये बुनियादी सवाल आते हैं। एक सवाल और भी है, खैर क्या है, शर क्या है, आया खैर और शर की अकदार मुस्तकिल है या बदलती रहती है, इनके लिए कौन सी चीज है जो फैसला कुन होगी, जो तय करे कि ये खैर है ये शर है, ये बुनियादी मसला है। बुनियादी मसला एक और भी है कि इंसानी इल्म की हकीकत क्या है। एक तो मालूमात हमें आंख से, कान से, जिन्हें आप एक्सटर्नल सेंसेस कहते हैं, आपके हवा से जाहिरी, किसी चीज को छू कर कुछ मालूम कर लिया, किसी को चख कर मालूम कर लिया, किसी को सूंघ कर मालूम कर लिया, किसी को देखा, कोई चीज सुनी, ये 5 एक्सटर्नल सेंसेस। फिर हमें मालूम है तजर्बे से कि हमारे अंदर एक और शय भी है जिससे हम इस्तदलाल करते हैं, नतीजा निकालते हैं। सेंस डेटा जो है, हमारे इन हवास से जो मालूमात हासिल होती है उन्हें जमा तफरीक करके नतीजा अखज करते हैं। सादा सी मिसाल क्या है, हमने धुआं देखा, आंख ने देखा सिर्फ धुआं, फैसला हमने किया आग लगी है, हालांकि आग आपने नहीं देखी। ये दर हकीकत आपने यहां फैसला किया कि जहां धुआं होता है आग होती है, लिहाजा जो मेरी आंख ने धुआं देखा है तो आग है। ये क्या है, ये आपका इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, ये आपके अक्ल का दायरा।